हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू होम शेफ स्वाद का खजाना। मैं नसरीन। आज मैं लेकर आई हूं एक ऐसी स्नैक्स की रेसिपी जो बच्चों की फेवरेट तो है ही, साथ ही इसे आप बर्थडे पार्टी या ऐसे ही किसी भी ओकेज़न पर अपने मेन्यू में शामिल कर सकते हैं। तो आइए बनाते हैं विदाउट ओवन इंस्टेंट बन जाने वाला ब्रेड पिज्ज़ा। इसके लिए लिए हैं मैंने चीज़, ग्रेटेड टोमेटो, कॉर्न्स, ये ओनियन, शिमला मिर्च और पिज़्ज़ा सॉस। ये ब्रेड्स जिनसे हम पिज़्ज़ा बनाएंगे, बटर, ओरिगेनो, चिल्ली फ्लेक्स और ब्लैक पेपर पाउडर। सबसे पहले हम इस तरह से किसी भी गोल आकार वाले ढक्कन से या किसी भी चीज़ से जिसे हमारा गोल शेप आ जाए ब्रेड को कट कर लेते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से इसका शेप गोल आ गया है। इसी तरह से हम बाकी के ब्रेड्स को भी कट कर लेते हैं। इसे आप किसी भी बड़ी कटोरी या ग्लास के बड़े इससे भी कट कर सकते हैं। इसी तरह से सारे ब्रेड्स को हम कट कर लेंगे जितने हमें बनाने हैं। आप देख सकते हैं सारे पीसेस मैंने गोल कट कर लिए हैं। अब चलिए पिज़्ज़ा बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले ब्रेड पर हम पिज़्ज़ा सॉस अप्लाई करेंगे। इस तरह से पिज़्ज़ा सॉस की एक लेयर हम इस पर लगा देंगे, थोड़ा सा चीज़। अब इसके बाद बारी बारी से ओनियन, कैप्सिकम, कॉर्न और टोमेटो हम डाल देंगे। आप चाहें तो इस पे पनीर भी यूज़ कर सकते हैं। अब इस पर चीज़ की एक लेयर फिर से अच्छी तरह से इसके ऊपर डाल देंगे हम थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर, चिली फ्लेक्स और ओरिगेनो। ये तैयार है हमारा ब्रेड पिज़्ज़ा। इसी तरह से बाकी पिज़्ज़ा भी हम तैयार कर लेंगे सेम प्रोसेस से। ये देखने ही में इतना कलरफुल लगते हैं कि बच्चे इसे देखते ही बहुत पसंद करते हैं। ये बच्चों का फेवरेट है। पिज़्ज़ा के नाम से तो बच्चों को ऐसे ही भूख लग जाती है। और ये इंस्टेंट बन जाने वाला पिज़्ज़ा है विदाउट ओवन। आसानी से जब भी जी चाहे आप घर पे फौरन बना सकते हैं। ये बच्चों की छोटी भूख के लिए बहुत ही अच्छा और आसान तरीका। इसी तरह से सारे पिज़्ज़े के पीसेस को हम रेडी कर लेंगे। ये हमारा पिज़्ज़ा रेडी है। अब इसे कुक करते हैं। अब एक पैन में हम डाल देंगे थोड़ा सा बटर और इसे कर लेते हैं मेल्ट। बटर हमारा मेल्ट हो चुका है। अब इसमें हम डाल देते हैं पिज़्ज़ा के ये पीसेस जो हमने तैयार करके रखे हैं। कर देते हैं इसे हम कवर और लो फ्लेम पर हम इसे तैयार करेंगे। आप देख सकते हैं चीज़ मेल्ट होने लगा है। बहुत ही जल्दी ये पिज़्ज़ा तैयार हो जाता है। बहुत ही अच्छा कलर और बहुत ही अच्छा टेक्सचर आया है इसका।
देखने में बहुत ही यम्मी लग रहा है। अब इसे हम निकाल लेते हैं एक अलग सी प्लेट में और सेम प्रोसेस से हम बाकी के पिज़्ज़ा भी कुक कर लेंगे। तैयार हैं हमारे गर्मा गर्म पिज़्ज़ा विदाउट ओवन। आप भी ज़रूर ट्राई करें और अपने बच्चों को ज़रूर खिलाएं। मुझे उम्मीद है उन्हें ज़रूर पसंद आएगा। ऊपर से थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और ओरिगैनो की सीजनिंग। तैयार हैं हमारे गर्मा गर्म ब्रेड पिज़्ज़ा। आप भी अपने बच्चों को ज़रूर बनाकर खिलाएं। और प्लीज़ अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।